हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल। आपने कि जैसे देखा कि मॉक टेस्ट आने वाले हैं अभी, जिसमें हमें एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस और केस स्टडी के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपके लिए ये सभी अभी नए हैं कि इसमें केस स्टडी क्या होती है, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एसर्शन रीजन के साथ साथ जो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हमने सॉल्व करने या किस तरह से वो आएंगे उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस की, कि केस स्टडी में क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले केस स्टडी में हमने ये करना है कि जैसे मान लो एक आपको पैराग्राफ दिया आएगा, ठीक है, उस पैराग्राफ में आपने उसको अच्छे से रीड करना है और उसी के रिगार्डिंग हमें उस टॉपिक के क्या मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से कोई भी 4 आपको सॉल्व करके दिखाने हैं, ठीक है। 5 में से आपको क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी एक क्वेश्चन की। तो आपने कितने क्वेश्चन करने, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। एक जो केस स्टडी है मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि कंटेन 5 सब पार्ट्स ईच, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। आपको किसी 4 क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें देने हैं। तो कहते हैं रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। अब इसको हम पैराग्राफ को रीड करते हैं अच्छे से। तो लिखा क्या हुआ है कि प्लास्टिड्स अकर्स इन मोस्ट प्लांट सेल्स। ये बायो का हम कर रहे हैं, ये जो सेल टॉपिक है आपका उसके रिगार्डिंग ये केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी है ये। प्लास्टिड्स अकर इन मोस्ट प्लांट सेल्स एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड आल्सो हैव देयर ओन जीनोम। उनके अंदर खुद के जीनोम्स यानी कि डीएनए होता है और उनके अंदर खुद के राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। तो प्लास्टिड्स होते किसमें हैं, प्लांट्स में होते हैं और एनिमल्स में ये नहीं होते, ठीक है। तो दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपको एज सच इस पैराग्राफ से आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ के आंसर्स जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड टॉपिक होगा उसी से आपको देना होगा। तो हम बात करेंगे, जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे कि सेम टू सेम ऊपर वाले पैराग्राफ से ही रिलेटेड थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले प्लास्टिड्स के अंदर, ये जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है, नेम ऑफ प्लास्टिड पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, फिर हमें दे रखा है कौन सा, क्रोमोप्लास्ट, और इसमें ए लिखा हुआ है, इसकी जगह खाली छोड़ रखी है इसने। इधर है ग्रीन क्लोरोफिल, बी दे रखा है और क्लोरो कलरलेस दे रखे हैं। ये है फंक्शंस इनके दे रखे हैं क्लोरोप्लास्ट का, कि ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इसकी लोकेशन क्या है, लीफ है। क्रोमोप्लास्ट ये क्या है, अट्रैक्टिव कलर ऑफ टू द प्लांट्स, यानी कि ये क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। लोकेशन क्या है इसकी, कलर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ये भी कहाँ है, कलर पार्ट में है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो पार्ट दे रखा है हमें, इसमें ए लिखा हुआ है और ये कलर लिखा हुआ कलरलेस, स्टोर स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ये इसके फंक्शन है। अब ए का नाम हमें बताना है आगे क्वेश्चन में और बी का नाम भी बताना है, नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू ऑफ प्लांट्स, यानी कि जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, कलरलेस, तो ये ग्रीन कलर का इसमें पिगमेंट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा। इसमें सिमिलरली इसमें ग्रीन कलर को छोड़ के अदर जो है वो कलर आपको मिलेंगे, तो ये कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट है, ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये नॉन सिंथेटिक टिश्यू ऑफ द प्लांट है, जैसे कि सच एज रूट्स, बल्ब्स एंड सीड्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमने पैराग्राफ को देख लिया कि ये सेल चैप्टर से आया है और प्लास्टिड वाले टॉपिक से इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल आइडेंटिफाई ए एंड बी, ए और बी इनमें से क्या है। अभी हमने पैराग्राफ में ऊपर रीड किया था कि एक क्रोमोप्लास्ट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। दैट मीन्स जो हमारा ए है वो क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे को एक दे रखा है एलियोप्लास्ट, 2 में दे रखा है ल्यूकोप्लास्ट और 1 में दे रखा है नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स इन 2 में से कोई एक आंसर होने वाला है, ए या सी में से। तो हमें ये पता है कि एक का नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। अब एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, एक आपको पता है कि ग्रीन कलर के अलावा जो क्या होता है, दूसरा कोई पिगमेंट होगा,
अदर पिगमेंट होगा। तो देखिए एनी कलर में कौन सा एक्सेप्ट ग्रीन, ये दे रखा, इसमें दे रखा है इन्होंने ल्यूकोप्लास्ट एनी कलर। एनी कलर में तो ग्रीन भी हो सकता है ना, इसीलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो हम बताएंगे कि इसका आंसर सी है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लोरोप्लास्टिन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अभी हमने ऊपर देखा था कि प्लास्टिड्स ऑल्सो कंटेन देयर ऑन जीनोम डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है, इसीलिए इनको हम सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। तो अब देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन आ गया कि सेमी ऑटोनोमस किसकी वजह से बोलते हैं, डीएनए और राइबोसोम्स की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। थर्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले हम पढ़ते हैं, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए जो हमने पढ़ा था प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, वो डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट भी है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि दोनों बातें सही है। थर्ड पढ़ लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्लोरोप्लास्ट से फूड बनता है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिंथेसिस किसकी कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर रहा है। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो चौथा क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाई डज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन वेयर डज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कहाँ रहते हैं। पहला है इनर मेम्ब्रेन, नहीं, इनर मेम्ब्रेन में नहीं होते। दूसरा है इसमें थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड आपने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो इसके अंदर होते हैं कि नहीं होते, थाइलेकॉइड ल्यूमेन, ल्यूमेन इसमें नहीं होता, आउटर मेम्ब्रेन में भी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। देखिए अगर आपको नहीं भी आइडिया होता तो आप जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इनर और आउटर मेम्ब्रेन में तो होता ही नहीं है, और थाइलेकॉइड ल्यूमेन उसमें कौन सी होती है जिसमें है, ल्यूमेन जो है वो इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपको ल्यूमेन में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इसका राइट आंसर रहेगा। Which of these is the wrongly matched कौन है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, बिल्कुल सही बात है, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट, ये अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का जो है वो क्या करता है, स्टोरेज करता है, तो अमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ओके है। इसके बाद एलियोप्लास्ट स्टार्च, ये ऑयल का सेंट, ये जो क्या करता है स्टोरेज करता है, ठीक है, तो और नन ऑफ दीज, तो जब ये गलत है ही तो हम नन ऑफ दीज पे टिक नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये है आपका बायो की केस स्टडी किस तरीके से हमने करनी है उसके रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स अब एक और नेक्स्ट केमिस्ट्री की हम केस स्टडी को देखते हैं। अभी हमने बायो की केस स्टडी देखी थी, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है 17 to 20 कंटेन्स 5 सब पार्ट्स ईच, यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर एनी 4 सब पार्ट्स, यानी कि फिर से हमें ये 5 पार्ट्स दे रखे हैं और उसमें से हमने कोई भी 4 पार्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, पैराग्राफ की, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 17-1 टू लेके 17-5 पार्ट तक। तो हमें कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं पी क्यू आर एस, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स दे रखे हैं 19, 21, 19, इसी तरीके से सारे के सारे हमें जितने उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो हमें प्रोवाइड उन्होंने कर रखे हैं। तो सबसे पहले हमें इसको अच्छे से देखना है कि हमें क्या कुछ दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। तो हमें ये सब कुछ गिवन है तो हम इसी बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट की, क्या है द एलिमेंट आर इज ए, ये रहा आर, आर क्या है, आर में प्रोटॉन कितने हैं 17। आपको पता है जो गेन करता है वो नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन को, और जो लूज करता है वो क्या होता है मेटल। तो इसकी कॉन्फिगरेशन देखें तो 2, 8, 7, क्योंकि दो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7, तो 17 हो गया 17। अब ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 1 और चाहिए, तो 1 और चाहिए, तो जिसको अब गेन करना है इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन मेटल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन मेटल। तो ये क्या है हमारा, नॉन मेटल, कौन 17 का ये जो ए पार्ट है, ये आर मेटल है, जो सॉरी आर एलिमेंट है वो क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ पी,
पी क्या है 19, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में कितने आएंगे 8, तीसरे में कितने आएंगे 8 और चौथे में कितने आएंगे 1, तो इसका आंसर क्या होगा बी। अब देखिए ये बाकी तीन गलत क्यों हैं, क्योंकि इसमें पूरा 19 बन ही नहीं रहा है। 8 और 2 10 और 7 कितना हुआ 17, 17 है, यहाँ कितने 19, 8 और 2 10 और 9 19, लेकिन लास्ट शेल में 9 नहीं आ सकते ना, इसीलिए गलत है। ये भी इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें 19 पूरे ही नहीं है, इसमें 1 से स्टार्ट ही नहीं होता, 2 से स्टार्ट होता, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या बचा हमारा बी पार्ट, तो बी इसका सही आंसर है। विच टू एलिमेंट्स फॉर्म अ पेयर ऑफ आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो सेम मास नंबर, देखिए मास किसको बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास। देखिए प्रोटॉन 19, 21, इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा 40, इसको ऐड करें 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, दैट मीन्स P और Q दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सेम मास है इन दोनों का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए दोनों को ऐड करने भी दोनों का सम कितना आएगा 40 आएगा, दैट मीन्स P और Q ही क्या है दोनों आइसो बार्स है। तो आंसर क्या है देखिए P एंड Q, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, पी एंड क्यू इज द आइसोबार। ठीक है, आर एंड एस नहीं है, एस एंड क्यू भी नहीं है, आर एंड पी भी नहीं है, आप इनको टोटल करके सम करके देख लीजिए, सभी एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए आर एस हो नहीं सकते। इन सब का भी आप सम करके देखेंगे तो इन ये सब के सब आपस में बराबर नहीं आएंगे, सिर्फ पी और क्यू का ही क्या आ सकता है, एटॉमिक मास सेम है, तो इसीलिए इनको क्या बोला हमने आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास नंबर। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो मास नंबर कभी नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही क्या होते हैं, हमेशा मास नंबर होते हैं, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसको हम क्या बोलेंगे करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड बोलता है द सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं बोलते एटॉमिक नंबर, खाली प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, तो ये भी गलत है। थर्ड द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये क्या बोलते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर नहीं बोलते, अभी मैंने बताया सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं। फोर्थ द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास नंबर, दिस इज द राइट आंसर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिफ्थ विच इज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखिए 17 दोनों इक्वल है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एस, तो ऐसा कहीं ऑप्शन में भी नहीं है, तो फर्स्ट तो यही कि आंसर यही होगा। उसके बाद एटॉमिक नंबर 19 और 20, इसके बाद कौन आता है पी, और पी के बाद कौन आ रहा है क्यू, तो ये क्या हो गया इसका आंसर होगा, तो पी और क्यू जो है इसका जो पी आर इज इक्वल टू एस, और पी और एस क्यू वाला ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपका जैसे केमिस्ट्री की ये केस स्टडी होगी। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं assertion reason type questions, कि assertion reason type question क्या होते हैं और इसको आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये आपके लिए नए क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चंस अभी तक ना देखे हों, तो इसको मैं समझा रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको पेपर में अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि assertion reason type questions के अंदर है क्या, 14 to 16 आपको तीन assertion reason question मिलेंगे इसके अंदर, तो आप पढ़िए इसको ध्यान से कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज गिवन बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन, आपको एक असर्शन के साथ उसका रीजन मिलेगा, आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट वन, ये चार स्टेटमेंट्स आपको जो दे रहा है उसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है, मीन्स अब कैसे कैसे चूज करना है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, कि दोनों ही ठीक हैं बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, मतलब जो आपको ऊपर पॉइंट दिया हुआ है क्या वो रीजन उसका वैलिड रीजन है या नहीं है, अगर वैलिड रीजन है तो क्या वो उसको ऊपर वाले पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अगर कर पा रहा है तो ए आंसर होगा, और अगर assertion रीजन दोनों ही ठीक है बट रीजन उसकी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस केस में आप बी को टिक करेंगे कि बात तो दोनों ही ठीक कह रहे हैं लेकिन ऊपर वाली जो असर्शन है उस पॉइंट को वो ढंग से कवर नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बी। सी में क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स,
कि assertion तो true है but उसके reasons क्या है, false है। तो अब assertion true मतलब ऊपर वाली statement तो सही मिलेगी आपको, true मिलेगी, लेकिन नीचे वाली statement क्या मिलेगी आपको, false मिलेगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि assertion तो true है, reason false है। अब चौथा option है कि reason is true but assertion is false, मतलब assertion वाली जो statement है वो आपको wrong मिलेगी और reason वाली statement जो है वो आपको true मिलेगी। assertion false रहेगा और reason true रहेगा, तो उस केस में आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं assertion first की। If the net external force on the body is zero, then its acceleration is also zero। तो बोलते हैं external force अगर उस body की zero हो जाएगी तो उसकी acceleration भी, वो क्या बोल रहे हैं, zero हो जाएगी। तो देखिए acceleration आपको पता है force divided by क्या होता है, mass। तो यानी कि acceleration किसके directly proportional है, force के। ठीक है, आंसर दे रखे हैं साथ में, तो मैं इसको इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ साथ। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसीलिए जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से अगर ये भी जीरो होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स असर्शन जो है वो ट्रू है। लेकिन नेक्स्ट कहते हैं एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन फोर्स। आपने अभी देखा कि एक्सेलरेशन और फोर्स तो एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो तो इस पर डिपेंड भी करता है। दैट मीन्स ये रीजन जो दे रखा है वो फॉल्स दे रखे। तो आंसर क्या आएगा, सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स हैविंग मास नंबर 35 एंड 37। आपको पता है आपने फोर्थ चैप्टर में ये पढ़ा था केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि आइसोटॉप्स में क्या रहता है, मास नंबर जो है वो डिफरेंट मिलेंगे बट उनके एटॉमिक नंबर क्या मिलेंगे, सेम। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना रहता है, 17, और मास नंबर उनके हमें दो मिले हैं, एक तो है 35 और एक कौन सा, 37। तो अब इसमें रीजन इसका क्या दे रखा है हमें कि बोथ द आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन हैव द सेम एटॉमिक नंबर इक्वल टू 17। ये बात सही बोल रहे कि वो एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, दीज क्लोरीन 35 एंड 37, है ना, क्लोरीन 35 एंड 37। लेकिन क्या वो उसके आइसोटॉप्स के रिगार्डिंग कुछ बात बता रहा है हमें, क्योंकि आइसोटॉप्स में क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम मिलेगा बट उनका एटॉमिक मास अलग अलग है, 35 और 37, वो तो उसने कहीं बोला भी नहीं है। ठीक है, यानी कि हमने बात तो दोनों ही ठीक पढ़ी है, लेकिन क्या उसकी वो सही एक्सप्लेनेशन कर पाया, नहीं, क्योंकि ये तो नीचे एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा है और ऊपर क्या दे रखा है हमें, उसका मास दे रखा है। तो मास का एक्सप्लेनेशन नीचे नहीं है बल्कि किसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने, नंबर का। वो तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 17 है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। बी देखिए ये रहा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसीलिए आंसर क्या रहेगा, बी। इसी का और देख लेते हैं, कहता है कि शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस, शुगर एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आगे बात करते हैं कि शुगर इज होमोजेनियस, इट हैज डेफिनेट एंड इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बिल्कुल सही बात है कि शुगर जो है होमोजेनियस तो है ही है, ये इट हैज डेफिनेट एंड इनवेरिएबल केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेट तो प्रोपोर्शन है ही है, साथ में ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन द शुगर, सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको, प्योर सब्सटेंस। और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसी होमोजीनियस भी है, इसीलिए क्या है, एक प्योर सब्सटेंस भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ए क्यों आया, क्योंकि बोथ असर्शन और रीजन एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी को भी शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गए आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है हार्ट कैन पंप ब्लड थ्रू द बॉडी, ठीक है, हार्ट जो है वो पंप कर सकता है ब्लड को, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर। तो इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, देखिए कार्डियक मसल से बना होता है, तो इसी वजह से क्या कर सकते हैं, इजिली पंप कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन इसमें जो होती है हार्ट के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर सारे के सारे ब्लड को। तो इसका आंसर क्या है, ए, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या है, करेक्ट है, और वही उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसीलिए इसका ये सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे असर्शन रीजन से रिलेटेड और दूसरा आपके केस स्टडी से रिलेटेड। तो मैंने आपको इसके एक बार प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बाकी आप जो है इसकी खुद प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू सो मच।